Hey! मैनेजर की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगा। उठाओ ये पेपर और निकालो मेरे फिक्स डिपॉजिट के पैसे। एक पैसा इस बैंक में मेरा नहीं रहेगा। प्रेम क्या है यहाँ पे? हाँ, चिल्ला क्यों रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ। अच्छी तरह जानते हो, तुम्हारे कहने में मैंने 3 लाख की गाड़ी 1.5 लाख में बेच के फिक्स डिपॉजिट में रख दिया, ताकि तुम वो हिटलर भाई को मेरे बारे में अच्छा कह सको कि मैं अच्छे घर का लड़का हूँ, मेरे पास पैसे हैं और उसकी बहन के साथ मेरे रिश्ते की बात करोगे। रिश्ता तो दूर, अपना चक्कर चला लिया, लोगों के पैसे घसीट घसीट के फिक्स में डाल के ये पोजीशन कर लिया, अब टाई लगा के प्रेम मैं तुम्हारी बात चलाने ही वाला था। कहाँ चला मेरी बात? कार चलाते चलाते साइकिल पे आ गया हूँ, अब क्या पैदल चलाएगा? ए भाई पैदल निकल तू। प्रेम प्रेम धीरे बोल, ये बैंक है यार, मेरी बेइज्जती कराएगा। और जो मेरी बेइज्जती हुई है उसको कुछ नहीं है। एक चिट्ठी देने से कम है सुमन को, एक चिट्ठी। सुबह से लेकर शाम तक हिटलर, रात को सोते जागते हिटलर। ऐसा लगता है मैं एक आवारा कुत्ता हूँ और मेरे पीछे म्युनिसिपैलिटी गाड़ी लगी रहती है। ये प्यार हुआ या मजाक? अरे भाई आपने भी प्यार किया होगा, आपने भी प्यार किया होगा। नहीं, प्यार व्यार क्या होता है? कौन है तुम? क्या क्यों है बैंक में? क्यों है अर्थी के पैसे जमा कर रहे? हिटलर का भाई है तू? चलो मेरे फिक्स के पैसे निकालो। प्रेम तू शांत हो जाओ, घर पर जा, मैं इस बार करण से बात करूंगा तेरे लिए। मुझे उससे अपने लिए भी तो बात करनी है, उसकी एक बहन से मैं भी तो प्यार करता हूँ। तेरी शादी सुमन के साथ होगी और हम दोनों साड़ू भाई बन के रहेंगे, प्रॉमिस। ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, उस हिटलर को मैंने मेरा साला नहीं बनाया तो किसी और को भी उसका साला बनने नहीं दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। मुझे कहीं छुपा ले, मुझे कहीं मिटा दे, लॉकर में डाल दे, अकाउंट में डाल दे, फिक्स में डाल दे, नहीं तो मुझे कोमा में डालेगा। प्रेम हुआ क्या है? हिटलर तू यहाँ चुप। हिटलर मर गए। ओह हाय करण, कैसे हो? वो फिक्स डिपॉजिट वाली स्कीम पसंद आई ना? इसे पहचानते हो? यार इतनी बुरी शक्ल का आदमी तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। करण 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 मैं तो मजाक कर रहा था यार, ये प्रेम है मेरा दोस्त। कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा। मेरा मतलब है कि इस बैंक में अक्सर आता जाता रहता है। मुझे इसका पता चाहिए। बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल। तुम एक काम करो, मेरे केबिन में जाके बैठ जाओ, मैं ये काम निपटा के आता हूँ। ओके जल्दी आना। जाने दे जाने दे, छोड़ना यार छोड़ना, इट्स ओके। अरे ये सिटी किसने बजाई? अरे जिस घर में 5-5 खूबसूरत जवान लड़कियां हो, उस घर के सामने सीटी नहीं बजेगी तो क्या पुलिस का सायरन बजेगा? जरा देखूं तो ये सीटी किसके लिए बजाई है। ओहो तुम हो। ए ये सीटी किसके लिए बजाई? नंबर 1। नंबर 2। नंबर 3। Number 4? I love you. Hey, Suman, तेरी लॉटरी निकल गई है। जा, नीचे खड़ा इंतजार कर रहा है तेरा प्रेम। क्या सीन होगा? अरे भैया ने देख लिया ना, तो ये सीन रोमांटिक नहीं एक्शन होगा। अच्छा। अगर हिटलर यहाँ आ गया तो तुम क्या करोगे?
हिटलर आ गया तो क्या करूंगा? अभी बताता हूँ, उसके मोटरसाइकिल की हवा निकालूंगा ये, और पीछे की भी हवा निकालूंगा। समझी? उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद चाकू लेके उसके मोटरसाइकिल की सीट की बुर्जी बनाऊंगा, यो सीट को ऐसे उखाड़ के फेंक दूंगा और मोटरसाइकिल को ये उठाया। अरे हिटलर, तुम क्या? करण? करण करण, अरे इस गांव में बहुत से करण है। कौन सा करण? अरे भाई जिसकी पास पास भाई ने पास पास। हाँ हिटलर, हिटलर रखो, करण करण। अरे हम सब उसको हिटलर ही बोलते हैं। तुम क्या हिटलर के रिश्तेदार हो? बोला भाई तुम खरा संग नहीं। हम तो ना बाजू के गांव में रहते हैं। हमको किसी ने बोला कि उसकी पास पास बहने को संभालने को और कॉलेज से लाने को और कॉलेज ले जाने को एक नौकर नौकरानी की जरूरत है। ये वास्ते मैं और मेरा औरत इधर आया। तेने मेरा रास्ता बंद। एक काम कीजिए, बहन जी आप यहाँ रुकिए, मैं इनको ले जाता हूँ। हिटलर का दोस्त यहीं कहीं रहता है, मैं आपको उनसे मिला देता हूँ। वो अपनी कार में आप दोनों को बिठा के ले जाएगा। हाँ, क्योंकि हिटलर यहाँ नहीं रहता, हिटलर बहुत दूर रहता है। दैलाम, हाँ। कितना चांगला मानुस है तुम। ये भाऊ, हाँ। वो करण भाऊ अभी चांगला तो है ना? अच्छा तो। अरे बहुत अच्छे, आपको देख के इतने खुश हो जाएंगे और ऐसी आओ भगत करें कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। बहुत मिसाल आदमी है। वो जो मोटरसाइकिल में बैठे हैं ना, दिखा दे रहा, वो हिटलर के दोस्त हैं। उनसे पूछते हैं कि हिटलर कहाँ रहते हैं, वो बताएंगे। क्या पूछेगा? किधर रहता है हिटलर? हिटलर हिटलर किधर है? आभारी। क्या भारी है? धन्यवाद। अरे धन्यवाद क्या, कोई बात नहीं यार। मेरा औरत को भेजो जल्दी। हाँ जा बलि के बकरे जा। राम राम भाऊ। राम राम। ये हिटलर किधर है? ऐसा टोड़ा फाड़ फाड़ के काय को देखता है? हिटलर माइत नहीं, अरे पांच पांच बहन का लेडीज हॉस्टल है उसका, और वो वॉचमैन है उधर का। चलो तुम्हारे पति को हमने वहाँ पहुँचा भी दिया है और वो काम पे भी चढ़ गया है और थक के सो गया है। आई को देवा, इतना काम, अभी काम पे चढ़ा, अभी थक के सो भी गया। काम पे चढ़ने का हर आदमी थक के सो जाता है। वो मोटरसाइकिल पे जो बैठा है ना, वो करण है, उसका दोस्त हिटलर है। उसको जाके पूछो कि हिटलर किधर रहता है। काय 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 बोला तू, कौन लड़ कौन किधर रहता है? उसको जाके पूछो हिटलर किधर रहता है। हिटलर हम सब पीती है, हिटलर बोलना नहीं आता है। बोलो हिटलर। ले लिया। बोलो हिट हिटलर। लाल दोनों साथ बोलो हिटलर। हाँ हिटलर। हेलो बराबर ना। हिटलर हिटलर जाओ 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 हिटलर जाओ हिटलर 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 हिटलर। आई गो देवा, ये कौन मेलिया सुबह सुबह बेवड़ा पी के सोला है? सारे लोग काम कर रहे हैं और ये मेलिया सुबह सुबह बेवड़ा पी के पड़ा है। ऐसे लोग को काम पे काहे को रखते हो? मेरे मर्द को देखो, ड्यूटी पे सड़ा, काम भी किया, थक के सो भी गया। ओ भाऊ, वो आदमी किधर रहता? कौन? भला माइत नाई काय नाम? हाँ जिसके पास पास भाई ने करण? नहीं नहीं करण फिर नहीं रे, कौन सा सांगला इंग्लिश नाम होता?
फिल्टर नहीं 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 पीटर नहीं नहीं खड़ूस नाम होता खैर मैं पूछती है भाऊ कौन सा नाम होता रे अरे यार मैं आउट हो गया छोड़ दे रे अरे छोड़ दो मैं आउट हो गया रे अरे अरे मैं अरे छोड़ो अरे मैं आउट हो गया रे आउट हो गया रे अरे आउट हो गया रे मैं लोगों को मारने का बहुत शौक है ना खबरदार बीच में नहीं आने का आपद का मामला है ये कौन गधे की तरह चिल्ला रहा है अरे प्रेम ये तुम लोगों ने क्या हालत बना रखी है यार कबड्डी के मैच में कौन जीता और कौन जीतेगा करण जीता करण करण ये देख यार ये देख ऐसी ऐसी जगह मारा जहाँ मारना नहीं चाहिए था वहाँ भी मारा उसने ऐसे पेड़ तो तोड़ा ही तोड़ा साथ में घास फूस को भी नहीं छोड़ा उसने यार यार तू हमेशा मार खाने के बाद मेरे पास ही क्यों आता है हा? तुझे शर्म दिलाने के लिए ना खुद कुछ किया ना मेरा चक्कर चला है अरे करण की बहन के साथ मेरी शादी हो जाती तो क्या वो मुझे इस तरह मारता तेरी वजह से मैं कुंवारे सांड की तरह सूखे जंगलों में फिर रहा हूँ पहन लो ये चूड़ियाँ तुम लोग इतने सारे होकर एक अकेले करण का मुकाबला नहीं कर सकते उसके सामने जाकर कहो कि तुम उसकी बहनों से प्यार करते हो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहो डट कर खड़े हो जाओ उसके सामने जंग का ऐलान करो और बगावत करो देख बहन ये कहना जितना आसान है न करना उतना ही मुश्किल है ठीक है तुम लोगों के लिए मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा वैसे मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है अगर तुम दोनों तैयार हो तो देखो आइडिया ऐसा हो जिसमें मुझे मार खाने की जरूरत न पड़े क्योंकि कम से कम 2 महीने तक मैं मार खाने के पोजीशन में नहीं हूँ इसे कहते हैं घर इस घर के सामने ये घर इसे कहते हैं खुली आंख में मसाला डालना आस्तराज और मेरी सीमा भाभी यही रहेंगी ये मोहल्ले में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है अरे कैसा अनर्थ हो गया भाई क्या बताऊं मेरी मुंह बोली बहन पर ऐसी बिजली गिरी कि इसकी खुशियां जलकर राख हो गई है अरे लेकिन हुआ क्या है अब क्या होने को बाकी है सिर्फ 7 महीने बाकी है क्या सारा मोहल्ला इसे बेटी कहता है ना हाँ मगर ये बेटी बेटी नहीं रही है माँ बनने वाली है ये क्या आप लोग उस शैतान को माफ कर सकते हैं जिसे फूल जैसी बच्ची की गोद में शादी से पहले गोभी का फूल लाल के ऐसा गायब हो गया है जैसे मार्केट से प्याज गायब हो जाती है अरे वो कौन था आदमी जिसने इसके साथ इतना बुरा सुलूक किया अरे मैं उसका नाम लूंगा ना तो आप लोग मुझे मारने दौड़ेंगे वो इंसान के नाम पे कलंक है इंसान की खाल में छुपा हुआ भेड़िया कोई और नहीं करण है करण उसकी बहनों को छेड़ता है ना तो उसकी आंखें फोड़ देता है उसकी बहनों की इज्जत इज्जत है हमारी बहनों की इज्जत इज्जत नहीं है ऐसे बैठे रास्ते पर अरे आप नहीं जानते कि वो कितना बड़ा लोफर है इस बच्ची को मिलने के लिए अपनी मिल में बुलाया करता था
और ये जाती रही, इसे क्या मालूम कि ऐसा होने वाला है। तुम्हें पूरा यकीन है ये करण ने किया है? ये कौन है घनचक्कर यार जो खामखा बहस कर रहा है यार यूं? अरे इससे आगे खुद ही पूछ लो। हाँ भैया सच कह रहे हैं, मैं करण के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे बारे में और कुछ कहना बाकी है? मोटरसाइकिल नहीं लाए, मोटरसाइकिल की आवाज नहीं आई ना? अब सिर्फ हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई देगी तुम्हें। ए कहाँ जा रही हो? हैं? अपने भाई को अस्पताल तक नहीं पहुंचाओगी? अस्पताल? मैं बेकसूर हूँ, मैं तो शहर छोड़ के जा रहा था, इसने मुझे फंसाया। अरे पूजा तुझे कैसा आइडिया सूझा एक शरीफ आदमी को बदला करने का? बेशरम। बेशरम मैं नहीं हूँ, बेशरम तुम हो। इसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं ऐसी लड़की हूँ। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। मैं तो कल के ट्रेन की टिकट लेने जा रहा था। मैं आज ही कटवा देता हूँ ऊपर की। नहीं मैं निर्दोष हूँ, खरगोश हूँ, खरगोश का शिकार मत करो। शेर मारो, शेर मारो, शेर मारो, शेर मारो।